आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। यहाँ पे मीटिंग रखी गई है नौलारी में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारा प्रदेश जो है कोविड-19 या कोरोना महामारी की चपेट में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना को समाप्त करने के लिए, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान चलाया हुआ है। उसी के तहत आज हम लोग ग्राम पंचायत नौनारी में यहां के ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह जी, जो कि युवा प्रधान हैं, और इन्होंने जो है अपने गांव को कोरोना मुक्त करने के लिए संकल्प लिया हुआ है, और उसके तहत ये अपने गांव में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, टीकाकरण, जो बाहर से प्रवासी आए हैं उनकी जाँच, ये सब कार्य लगातार कर रहे हैं। हमारे जो सचिव हैं दीप कुमार जी, उद्दीन के साथ हैं आशा, आंगनबाड़ी, कोटेदार गांव के लेखपाल, जो हमारी निगरानी समिति है उसकी नियमित बैठक हो रही है। तो हम लोग इसी उद्देश्य से आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है हमारा गांव कोरोना मुक्त गांव, तो उसके तहत हम लोग अपने ग्राम पंचायत नौनारी को कोरोना मुक्त गाँव करेंगे। और इसमें हमारे जो सब युवा जो साथी हैं, जैसे कि हमारे जो यहाँ अगल बगल गांव के भी हैं, लगधरपुर कोहड़, इसमें भरत हैं, इसमें आशीष हैं और इनकी पूरी टीम है, ये लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं। तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। आप सफाई कर दीजिए। शुभ नाम? धीरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान नौनारी जी। अभी आप नव निर्वाचित प्रधान हुए हैं नौनारी ग्राम सभा जी, तो आपने शपथ भी ले चुके हैं? आप शपथ भी ले चुके हैं जी? नहीं, अभी नहीं। शपथ ले नहीं जी। फिर जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो उनका जो समस्याएं हैं, जैसे चकरोट हो या नाली की समस्याएं हो, अब मेरे को उसकी मतलब जांच कराएंगे जी, जी। अगर कागज में या मतलब है तो उसको पूरा मतलब साथ में के सपोर्ट से, सबके सहयोग से उसका पूरा कार्य करेंगे जी, एकदम निष्पक्ष। वैसे आप गांव में घूमे होंगे तो अभी तो कुछ कमी आपको मिला होगा? बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड का है, पानी का है, बिजली का भी है, सफाई, मतलब बहुत सारी कमियां हैं आज भी जो है, जिसको हमको पूरा करना है।